सो हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, स्पेशली फॉर द पीसीएम स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम खत्म हो गया, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आओ। आज फाइनली जो है पर्सनल काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पर्सनल काउंसलिंग के फॉर्म मिल जाएंगे, वहाँ से जो आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी पर्सनल काउंसलिंग क्या होती है, पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, पर्सनल काउंसलिंग क्यों जरूरी है, ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। ये सारे डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपके नेक्स्ट 2 मंथ कैसे जाने वाले, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपराउंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टिल द फाइनल अलॉटमेंट, आपको कौन कौन से प्रोसेस से जो है, कौन कौन से स्टेजेस से गो थ्रू करना होता है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा, वो फ्लो चार्ट में जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, मैंने उस फ्लो चार्ट में आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मत स्किप करना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखो। एडमिशन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले जिससे आपके एडमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, सारे डाउट्स जो मैं इस चैनल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते रहूंगा। जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता है तब तक ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करते रहूंगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले पर्सनल काउंसलिंग क्या होती है, यही डाउट मैं आपका क्लियर करता हूँ। तो देखो, लास्ट ईयर मैंने पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है अच्छे कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिला था, जैसे COEP, VJTI, PICT, सरदार पटेल, ऐसे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला था। जिनके लो परसेंटाइल आए हुए थे उनको भी जो है बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। DY पाटिल पिंपरी, DY पाटिल अकू, DPCC हुई, ये सारे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है। इवन CSIT ब्रांच में उनको एडमिशन मिला है। जिनके थोड़े लो परसेंटाइल आते हैं उनके लिए जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना डिफिकल्ट हो जाता है, और CSIT में एडमिशन मिलना और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने सही से अगर चॉइस फिलिंग की होगी, सही से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग किया होगा, सही से ब्रांच सिलेक्शन किया होगा, तो आपको जो ये सारे कॉलेजेस में भी जो है एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होता है, कॉलेज लिस्ट बनानी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है, तभी जो है आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। अब ये स्टेज पे जो है आपका एक डिसीजन जो है बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, यही डिसीजन जो है आगे के लाइफ के 4 साल जो है डिसाइड करने वाला है। तो आपको जो है इस मोमेंट पे हर एक डिसीजन को बहुत प्रिसाइसली लेना होगा, तो हर एक डिसीजन को जो है बहुत सोच समझ के लेना होगा, तभी जो है आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, पर्सनल काउंसलिंग में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, SBC, ST, NT, तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है सिर्फ पुणे में ही एडमिशन लेना है, तो पुणे के कॉलेजेस की ही आपकी जो है एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुंबई में ही मुझे एडमिशन लेना है, तो सारे कॉलेजेस जो है मुंबई के ही होंगे आपके कॉलेज की लिस्ट में। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो आपको एक कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड जो है कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो है कैप राउंड के लिए फॉर्म फिल करना होगा। जैसे अभी MSTCT का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वैसे ही आपको जो है कैप राउंड के फॉर्म जो है फिल करने होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में ही मिस्टेक कर देते हैं, डॉक्यूमेंट जो है सही से अपलोड नहीं कर पाते, सही से इंफॉर्मेशन नहीं फिल कर पाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स TFWS के लिए नहीं अप्लाई कर पाते, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है जो फॉर्म फिलिंग में स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये सारे मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। ऐसे सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपके लिए जो है सेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। थर्ड जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, जैसे आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर करते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप राउंड काउंसलिंग में यही होता है कि आपको जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही स्टेज है। अभी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग पे ही सब कुछ जो है गेम डिपेंड होता है कि आपको जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। अगर आपने गलती से भी एक भी कॉलेज की सीक्वेंस आपने नीचे ऊपर कर दी तो आपको जो है रॉन्ग कॉलेज अलॉट हो जाएगा, देन उसके बाद जो है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको जो वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे मिस्टेक ना हो इसलिए आपकी जो है प्रॉपर सेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, आपको जो है प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, आपकी पूरी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वही कॉलेज की लिस्ट आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में अपलोड करनी होती है। फोर्थ में जो सेशंस विल बी कंडक्टेड, हर एक स्टेप पे जो है आपके गूगल मीट के थ्रू आपकी जो है मीट ली जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता, जब तक आप जो है कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म नहीं कर देते, तब तक जो आपको मैं पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है स्पॉट राउंड, अभी बहुत सारे कॉलेजेस में जो है स्पॉट राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे फाइनल अलॉटमेंट होता है, फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद भी आपका एक राउंड कंडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट राउंड। एंड ये स्पॉट राउंड सभी कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं।
लास्ट ईयर जो एक स्टूडेंट का परसेंटाइल 98 समथिंग था एंड उसने पीआईसीटी का स्पॉट राउंड अटेंड किया था, तो उसको जो है वहाँ पे एडमिशन मिल गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड के बारे में नहीं पता होता है। स्पॉट राउंड में भी जो है एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्पॉट राउंड में भी। अगर आपने कैप राउंड 2 में या फिर कैप राउंड 1 में एडमिशन अपना कंफर्म कर लिया, तभी भी आप जो है स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक बेटर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने की। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू जो है सारी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है एंड कैप राउंड 2 के लिए अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप कौन कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, आपको कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं खत्म हो जाता है, तब तक आपको जो है ऐसी पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे थोड़े फीडबैक्स वगैरह दिख रहे होंगे, लास्ट ईयर के फीडबैक है। लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे पास से पर्सनल काउंसलिंग लिए थे उन्होंने जो है ये मैसेज भेजा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बट मैंने इधर 3 ही मेंशन किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, VJTI, CoEP, PICT ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। जैसे ही आपका CET रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वैसे ही आपके जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कैप राउंड के लिए जो आपको रजिस्टर फॉर्म जो है फिल करना रहेगा। सेकेंड जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अभी ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप जो है कॉलेज में जाके भी वेरीफाई करा सकते हो। जैसे आपके एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, फिर उसके बाद आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है आप ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके HSC के मार्क्स अगर बराबर नहीं है, एंटर इनकरेक्ट अगर दिए गए, तो आप जो है ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे जो है 100-200 रैंक में डिफरेंस आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में। 100-200 का डिफरेंस देखने को मिलता है, इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में जो है आपको 350 चॉइस फिलिंग करनी होती है। 350 चॉइस फिलिंग, ना कि 350 कॉलेजेस भरने होते। अब ये चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, पहले आपको जो है अच्छे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस जो होते हैं वो सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना होता है। इवन टॉप कॉलेजेस में भी आपको जो है पहले TFWS सीट को सिलेक्ट करना होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए, जो कि जो आपको पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू आपको पूरा समझाया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलिंग किया जाता है एंड कैसे आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है। देन उसके बाद जो है अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट होने के बाद जो है ऑटो फ्रीज, फ्रीज एंड बेटरमेंट। जो स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उन लोग जो है बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, एंड जो स्टूडेंट कैप राउंड 1 में ही एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो है फ्रीज कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में फर्स्ट चॉइस फिलिंग किया होगा, जो भी कॉलेज उसने सिलेक्ट किया होगा, जो भी ब्रांच उसने सिलेक्ट किया होगा, एंड वही ब्रांच अगर उसको अलॉट हुई होगी, तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, वहीं पे जो उसको एडमिशन लेना पड़ता है। अगर जो स्टूडेंट को कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना है उसको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। जो भी स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर से जो है सेकेंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग उनको करना पड़ता है। देन उसके बाद उनको जो है फाइनल अलॉटमेंट होता है। अब फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद जो है कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। एंड फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद भी एक राउंड बचता है, दैट इज फॉर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में भी जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे भी जो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको एक बेटर कॉलेज में एडमिशन मिले। तो चलो, आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड अगर और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।